और एक दो मिनट पहले कर दें। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जूरिस प्रेप क्लासेस। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इंडियन एविडेंस सेट, एंड आवर टॉपिक इज रेस कैस्टिंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस what is res casti. Res casti word you will not find in Indian Evidence Act. Res casti kya hai, ek latin phrase hai jiska meaning hai things done. Res casti kya hai, इसका मीनिंग क्या है, थिंग्स डन। इसको अगर प्रॉपर ट्रांसलेट करें हम तो इसका मीनिंग क्या होगा, थिंग्स डन और स्पोकन। और वर्ड स्पोकन, और आई कैन से समथिंग सेड। कैस्टिक का क्या है, एक लैटिन टर्म है। अगर हम इसे ट्रांसलेट करते हैं इनटू इंग्लिश तो इसका मीनिंग आता है थिंग्स डन और वर्ड्स स्पोकन। मैं इस बात को सरल भाषा में आपको समझाने की समझाता हूं, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक लेक्चर दे रहा हूं। इस लेक्चर, ये लेक्चर क्या है, इस लेक्चर के द्वारा मैं क्या कर रहा हूं, इंडियन एविडेंस एक्ट की जो मुझे नॉलेज है उसे मैं ट्रांसफर कर रहा हूं आप लोगों को। ये क्या है, दिस इज ए ट्रांजैक्शन। ये लेक्चर देते समय, ये ट्रांजैक्शन के दौरान मैं कुछ काम करता हूं। क्या काम करता हूं, मैंने पेन पकड़ा हुआ है, मार्कर पकड़ा हुआ है, मैं इस मार्कर के साथ यहां पर कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं। मैं क्या काम कर रहा हूं, मैंने मार्कर पकड़ा हुआ है, इस मार्कर से मैंने यहां पर कुछ लिख रहा हूं। मेरे पास डस्टर है, इस डस्टर के साथ मैं इन वर्ड्स को मिटा भी रहा हूं। दीज आर द थिंग्स डन ड्यूरिंग माई लेक्चर। और इसी लेक्चर के दौरान मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो रेलेवेंट हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो रेलेवेंट नहीं है। हमने सेक्शन 5 किया था इंडियन एविडेंस एक्ट का। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 5 क्या कहता है, हम एविडेंस जो है, जो सबूत देने हैं हमने, जो एविडेंस देना है अदालत के सामने, वो दो बातों का हम दे सकते हैं। नंबर 1 जो है वो
रेलेवेंट फैक्ट होना चाहिए। रेलेवेंट फैक्ट का मीनिंग क्या है? रेलेवेंट फैक्ट का मीनिंग क्या है? ये किसी ना किसी तरीके से दूसरे फैक्टों के साथ जुड़ा होना चाहिए, जो बाकी के फैक्ट्स हैं उनके साथ जुड़ा होना चाहिए। कैसे जुड़ा होना चाहिए? जैसे हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट बताता है, सेक्शन 5 से लेके 55 तक, 55, फ्रॉम 5 टू 55 जो हमें बताता है कि इस तरीके से ये एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से जुड़ा होगा, दूसरे के फैक्ट के साथ कनेक्टेड होगा, 5 से लेके सेक्शन 5 से किस तरह से जुड़ा होगा, हम उस चीज का एविडेंस दे सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हम जो एविडेंस दे सकते हैं वो दे सकते हैं फैक्ट इन इशू का। फैक्ट इन इशू क्या होता है? फैक्ट इन इशू का मतलब है, को इंडियन एविडेंस एक्ट ने डिफाइन किया है, कोई ऐसा फैक्ट, कोई ऐसा तथ्य जो अपने आप में या किसी और तथ्यों के साथ मिलकर, किसी और फैक्टों के साथ मिलकर किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस, किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस या उसकी नॉन एग्जिस्टेंस किसी राइट लायबिलिटी या डिसेबिलिटी की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को बताता है, या इसकी नेचर क्या है, इस राइट लायबिलिटी डिसेबिलिटी की नेचर क्या है। इसे बताता है इसकी एक्सटेंट क्या है, किस हद तक ये राइट अवेलेबल है, राइट लायबिलिटी और डिसेबिलिटी किस हद तक अवेलेबल है, हमें ये बताता है, या हमें या किसी ने कोई राइट को असर्ट किया है या किसी ने डिनाई किया है, ये बताता है। सेक्शन 5 हमें क्या बताता है? हम दो तरह का एविडेंस दे सकते हैं, या तो वो फैक्ट रेलेवेंट होना चाहिए या वो फैक्ट इन इशू होना चाहिए। रेलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं? जो सेक्शन 5 से लेके 55 तक इंडियन एविडेंस एक्ट में बताए गए। फैक्ट इन इश्यू क्या है? कोई ऐसी राइट लायबिलिटी या डिसेबिलिटी की एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर क्या है उसकी राइट की, लायबिलिटी की, डिसेबिलिटी की, उसका एक्सटेंट क्या है, किस हद तक वो राइट अवेलेबल है, किस हद तक लायबिलिटी है, किसी ने असर्ट किया है या किसी ने डिनाई किया है, ये जो सारी बातें हैं दीज आर फैक्ट इशू। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? रेस कैस्टे। रेस कैस्टे वर्ड आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं मिलेगा, मैंने शुरू में बताया था, लेकिन ये इम्बाइब्ड है इंडियन एविडेंस एक्ट में, ये हमें मिलता है, अलग अलग सेक्शन से मिलता है, और मेनली जो सेक्शन डील करता है रेस कैस्टे वो है सेक्शन 6। रेस कैस्टे हमें किन किन सेक्शन से मिलता है? 6, 7, 8 एंड 9। लेकिन जो मेन सेक्शन है रेस कैस्टे को डील करता है, दैट इज सेक्शन 6।
सेक्शन सिक्स क्या कहता है? सेक्शन सिक्स कहता है अगर कोई फैक्ट फैक्ट इन इश्यू नहीं है, अगर कोई फैक्ट फैक्ट इन इश्यू नहीं है लेकिन वो कोई काम है जो किया गया है या वर्ड स्पोकन किए गए हैं किसी ट्रांजैक्शन में, रेस्कैस्टे क्या है, थिंग्स डन और वर्ड स्पोकन ड्यूरिंग ए ट्रांजैक्शन। Will be relevant. क्या होगा? Will be relevant. ये relevant हो जाएगा. ऐसे fact को relevant fact माना जाएगा. मैंने शुरू में क्या कहा था? मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, इस लेक्चर के दौरान मैं कुछ काम कर रहा हूं, मैं मार्कर्स के साथ इस पर कुछ लिख रहा हूं, ये लेक्चर दे रहा है, ये क्या है, एक ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन में मैं क्या कर रहा हूं, कुछ काम कर रहा हूं, मैं मार्कर से कुछ लिख रहा हूं, मैं डस्टर से कुछ चीजों को रिमूव कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, अरेंज कर रहा हूं। इसी ट्रांजैक्शन के दौरान मैं कुछ वर्ड्स बोल रहा हूं, कुछ कह रहा हूं, हो सकता है ये वर्ड्स जो है फैक्ट इन इश्यू ना हो। फैक्ट इन इश्यू क्या है? लेक्चर देना इंडियन एविडेंस पर, रेस्कैस्टे समझाना, ये है फैक्ट इन इश्यू। हमें इस ट्रांजैक्शन में फैक्ट इन इश्यू क्या है, मैं आपको रस कैसे समझा रहा हूं, लेकिन इस समझाने के दौरान, इस सारी क्रिया के दौरान मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं जो फैक्ट इन इश्यू नहीं है, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं जो फैक्ट इन इश्यू नहीं है। क्यों? आपको समझाने के लिए। अगर कोई फैक्ट अकेला किसी को बताओगे, सिंपल मेयर वर्ड्स बताओगे, शब्द बताएगा, वो किसी को समझ नहीं आएगा जब तक उस फैक्ट के आजू बाजू की चीजें, उस फैक्ट के जो है सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस है उनको आप नहीं बताओगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। कुछ चीजें एक्स्ट्रा बतानी पड़ती हैं जो फैक्ट इश्यू नहीं है, वो भी बतानी पड़ती है, फिर ही वो फैक्ट समझ आएगा। सो रेस्कैस्टे क्या, थिंग्स डन और वर्ड स्पोकन ड्यूरिंग ए ट्रांजैक्शन, इट बिकम्स अ रेलेवेंट फैक्ट। एज फार एज द थिंग्स डन इज कंसर्न, ये कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। एक ट्रांजैक्शन में कुछ काम हुए, कुछ चीजें हुई, वो हमें आसानी से पता चल, लेकिन वर्ड स्पोकन जो हैं, ये कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? क्योंकि हम जब पढ़ेंगे सेक्शन 60 इंडियन एविडेंस एक्ट का, सेक्शन 60 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस कैसा होना चाहिए? ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट का मतलब क्या है? अगर कोई ऐसा फैक्ट है जिसे देखा जा सकता है, अगर कोई फैक्ट ऐसा है जिसे हमने कोर्ट के सामने लाना है, उसे देखा जा सकता है, तो कौन आके एविडेंस देगा? जिसने वो फैक्ट को देखा।
अगर कोई फैक्ट ऐसा है जिसे सुना जा सकता है तो कोर्ट के सामने ऐसे फैक्ट का एविडेंस कौन देगा जिसने वो फैक्ट को सुना है। अगर कोई फैक्ट ऐसा है जिसे परसीव किया जा सकता है, परसीव क्या होता है, महसूस करना, व्यक्ति की फाइव सेंसेस होती हैं, पांच सेंसेस होती हैं, हम फाइव सेंसेस से चीजों को महसूस करते हैं, थिंग्स को महसूस करते हैं, टच है, आइस है, हियरिंग है, टेस्ट है, ये सारी चीजें जो हैं परसीव करते हैं। अगर कोई फैक्ट ऐसा है जिसे परसीव किया जा सकता है, वही व्यक्ति आपके एविडेंस देगा जिसने परसीव किया है। अगर कोई फैक्ट ऐसा है जो ओपिनियन के रिगार्डिंग है, किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन है, तो एविडेंस कौन देगा जिसकी वो ओपिनियन है। अगर आप कहो कि मेरा एक फ्रेंड एक्सपर्ट है साइंस में और उसने ये कहा है, उसकी ओपिनियन मैं बताता हूं, कोर्ट कहेगी नहीं, अपने फ्रेंड को भेजो जो एक्सपर्ट है उसी को भेजो। अगर इनके सिवाय कोई और व्यक्ति आता है तो वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं होगा, वो एविडेंस होगा हेयर से एविडेंस। मैंने आपसे क्या कहा था, जहां तक वर्ड्स कोई चीज काम करने का सवाल है किसी ट्रांजैक्शन के दौरान, ये आसानी से पता चल जाता है, लेकिन वर्ड स्पोकन किसी ट्रांजैक्शन में वो पार्ट एंड पार्सल हैं किसी ट्रांजैक्शन के या नहीं, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कभी कभी। ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये इंटरफियर करते हैं हेयर से एविडेंस के, हेयर से एविडेंस को हम रिसीव नहीं करते हैं, को माना नहीं जाता है। लेकिन रेस कैस्टे क्या है, इसकी एक्सेप्शन है। रेस कैस्टे क्या है, हेयर से एविडेंस की एक्सेप्शन है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हम और कर लेते हैं। ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन जो है ये सिविल भी हो सकती है, ये ट्रांजैक्शन जो है क्रिमिनल ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। सिविल ट्रांजैक्शन की एग्जांपल क्या है, एक पर्सन है, इसने बी से कुछ चीजें मंगवाई, इसने ऑर्डर किया कि मुझे कुछ गुड्स जो है वो डिलीवर कर दो। से फॉर एग्जांपल, ए कहता है मुझे 100 बैग्स ऑफ राइस सप्लाई करो। बी के पास ऑप्शन है, ये जो बैग्स हैं इनको एक बार में भी भेज सकता है और अलग अलग समय और अलग अलग जगह से भी भेज सकता है। ये जो सामान भेजेगा बी ए को और ए ने मंगवाया है, दिस इज ट्रांजैक्शन, दिस इज सिविल ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन के दौरान
कई बातें, कई चीजें होंगी, वो सारी जो है अगर वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रांजैक्शन है तो वो रिस्क कैस्केड में आएंगी। क्रिमिनल ट्रांजैक्शन का एग्जांपल, एक एक पर्सन है, ये बी को मार रहा है, उसे हर्ट कर रहा है या उसका मर्डर कर रहा है। इस ट्रांजैक्शन के दौरान क्या होगा, ए बी को मार रहा है, बी कुछ ना कुछ कहेगा, कुछ बोलेगा या रोएगा। कुछ लोग जो है इस ट्रांजैक्शन को देख रहे हैं, सी डी ई एफ जी, सी कहता है बी को ना मारो, सी क्या कहता है बी को ना मारो, डी कहता है छोड़ दो, ई कहता है ए ये क्या कर रहे हो आप, फंस जाओगे, एफ कुछ और कहता है। ये जो सारी बातें हैं इस ट्रांजैक्शन के दौरान हुई है। ये कैसी ट्रांजैक्शन है, ये क्रिमिनल ट्रांजैक्शन है, ये क्रिमिनल ट्रांजैक्शन की एग्जांपल है। ऐसे ही अगर ए बी पर एक सूट फाइल करता है ऑन द बेसिस ऑफ, उस क्या कहता है कि इसने लेटर्स लिखे थे मुझे, उन लेटर्स में दो लेटर्स ऐसे हैं जिसने इसने मेरे बारे में फॉल्स इंपुटेशन लगाई हैं, लाइबल लगाई है, डेफिमेशन की है मेरी इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। फैक्ट इन इश्यू क्या है, क्या बी ने ए के खिलाफ कोई फॉल्स इंपुटेशन, फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं या नहीं। लेकिन ए और बी, बी के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस होती रही है, वो आपस में एक दूसरे को लेटर लिखते रहे हैं, पहले भी उन्होंने 40-50 लेटर्स लिखे हैं। फैक्ट इन इश्यू क्या है, दो लेटर्स, लेकिन बाकी के जो लेटर्स हैं, जो खत हैं, जो पत्र हैं, वो भी जो है पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन होंगे। क्रिमिनल ट्रांजैक्शंस की एग्जांपल जितनी मर्जी दे लो, किसी एक व्यक्ति के ऊपर केस चलाया गया कि उसने कहां कॉन्स्पिरेसी की है गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए, उसने क्या किया, फंड्स कलेक्ट किए एट कलकत्ता, उसने आर्म्स एंड अम्युनिशन कलेक्ट किए एट चेन्नई, उसने ट्रेनिंग कहां पर दी, बंबई में, क्रिमिनल ट्रांजैक्शन है, काम अलग अलग जगह पर हुआ है और टाइम भी अलग अलग था। ये जो है सारी क्रिमिनल ट्रांजैक्शन की है। अगर ये पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन है तो रिस्क एस्टेट में आएगा। ये इसे रेलेवेंट क्यों बनाया गया है, रिस्क एस्टेट को, फैक्ट इन इश्यू नहीं है लेकिन फिर भी रेलेवेंट, क्योंकि एक फैक्ट को अकेले में समझना, आइसोलेशन में समझना इज नॉट पॉसिबल, आसान नहीं होगा। जब वो दूसरे फैक्ट्स के साथ मिलकर समझा जाएगा तो वो हमें आसान लगेगा। मैंने आपसे कहा था कि वर्ड स्पोकन जो है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए कोर्स ने क्या किया, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं, प्रिंसिपल्स बनाए हैं, कॉशियस
कोर्स कॉशियस रही हैं इनमें एक्सेप्ट करने में जो वर्ड स्पोकन ड्यूरिंग ए ट्रांजैक्शन है, उसके लिए क्या क्या रूल्स बनाए हैं। नंबर वन रूल है जो वो है, ये जो वर्ड स्पोकन है ये ट्रांजैक्शन नंबर वन ट्रांजैक्शन के दौरान बोले जाने चाहिए। नंबर टू, ये सून बिफोर ट्रांजैक्शन बोले जाने चाहिए या सून आफ्टर द ट्रांजैक्शन। लेकिन दोनों में कोई ना कोई लिंक होना चाहिए, दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए, ट्रांजैक्शन अभी चल रही होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन अभी चल रही होनी चाहिए, दोनों में कोई ना कोई लाइव लिंक होना चाहिए। ये पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ये इंसिडेंट के साथ ही चल रही होनी चाहिए। इनमें इतना फर्क नहीं होना चाहिए, इतना समान नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति के पास सोचने का समय हो या डेलीब्रेट करने का समय हो या कोई फास्ट स्टोरी इसमें ऐड करने का समय हो। अगर ये है, पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, उसके पास सोचने का कोई समय नहीं है, उसके पास कोई फास्ट स्टोरी को ऐड करने का समय नहीं है, तो ये वर्ड्स जो हैं पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन ही कहलाएंगे। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं, जो इवेंट हुआ है, जो काम हुआ है, जो फैक्ट्स हैं, वो पर्सन के थ्रू बोले, पर्सन इवेंट के बारे में ना बोले। अगर पर्सन इवेंट के बारे में बोलेगा तो वो रेस्कैस्टे नहीं होगा। अगर वर्ड्स जो हैं व्यक्ति के द्वारा बोल रहे हैं, व्यक्ति के थ्रू बोल रहे हैं, इवेंट जो है, जो काम हुआ है, जो एक्सीडेंट हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है, व्यक्ति के थ्रू बोल रहा है, तो वो रेस्कैस्टे होगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मान लीजिए एक पर्सन है, वो दूसरे पर्सन के नाइफ चाकू लगा रहा है, क्या होगा? यहां से ब्लड आएगा, यहां से ब्लड आना और जिस व्यक्ति के चाकू लगाया जा रहा है, चोट लगाई जा रही है, वो कुछ बोलेगा, वो शोर मचाएगा। किस बात के लिए? हेल्प के लिए। मुझे ना मारो, मुझे इंजरी ना काउज करो, मुझे छोड़ दो। वर्ड्स क्या है? ट्रांजैक्शन उसके उसकी व्यक्ति के थ्रू बोल रही है। ये जो वर्ड्स हैं ये भी पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन है, ये भी उतने ही रेलेवेंट है जितना यहां से खून का बाहर आना। खून का बाहर आना फिजिकल एक्ट है, जो वर्ड्स हैं उस व्यक्ति के उस इंजरी की, इंजरी को डिफाइन करते हैं, उसे पेन जो हो रहा है वो भी उतनी ही रेलेवेंट है। अगर ऐसा है तो ये रेस्कैस्टे है, अगर नहीं है, अगर कोई व्यक्ति
किसी इंसिडेंस के बारे में बता रहा है तो ये रेलेवेंट नहीं होगा। इसे और समझाने के लिए मैं आपको कुछ जजमेंट्स एग्जांपल्स। नंबर वन, रतन वर्सेस द क्वीन। इस केस में क्या हुआ, ए पर्सन वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर मर्डर ऑफ हिज वाइफ। ए ने क्या किया, अपनी वाइफ का कत्ल कर दिया और उस पर्सन का डिफेंस था कि गोली गलती से लगी, एक्सीडेंटली लगी मेरी वाइफ को। लेकिन इस केस में एविडेंस था ऑपरेटर का, टेलीफोन ऑपरेटर का। टेलीफोन ऑपरेटर क्या करता है, कहके क्या कहता है, कोर्ट के सामने आके कहता है कि मुझे फोन आया और उसमें एक लेडी बोल रही थी, वो कह रही थी गेट मी द पुलिस। आपको याद होगा आजकल तो मोबाइल आ गए, पहले क्या होता था, टेलीफोन होता था, लैंडलाइन। वो क्या होता था, उसका प्रोसीजर क्या था, हम रिसीवर को उठाते थे, डायल करने की जरूरत नहीं है, जब भी रिसीवर को उठाते तो ऑपरेटर बोलता था, वो पूछता था हां जी बोलिए क्या चाहिए। तो आप क्या कहते थे, मुझे बॉम्बे बात करनी है फोन नंबर सो एंड सो पर। वो टेलीफोन ऑपरेटर क्या करता था, वो आपको फोन मिला कर देता था और जब फोन मिल जाता था तो आपको वो कॉल आ जाती थी, आपका फोन लाइन पर है, फोन उठाओ, उधर से ऑपरेटर बोलता था। इस केस में भी ऐसा ही हुआ, लेडी ने फोन उठाया और बोला मैं सो एंड सो बोल रही हूं, सो एंड सो अपार्टमेंट से बोल रही हूं, गेट मी द पुलिस। क्या ये पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन है, हां है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन चल रही थी। जब तक पुलिस वहां पर पहुंचती, उसके अपार्टमेंट में पहुंचती, उसके घर में पहुंचती, उस लेडी की डेथ हो चुकी थी। और एक बात और कोर्ट ने कही, अगर ये एक्सीडेंट होता तो लेडी ने फोन क्या करना था, क्या वर्ड यूज करने थे, गेट मी द डॉक्टर प्लीज। वो पुलिस को नहीं बुलाती थी, पुलिस को बुलाना इटसेल्फ बताता है कि कुछ गलत चल रहा था। रतन वर्सेस द क्वीन, इस एग्जांपल में एक प्रॉब्लम है, समस्या है। ये एग्जाम्पल है बाहर की, इंग्लैंड की। हम कहां पर रहते हैं, हम रहते हैं इंडिया में, और इंडिया में कौन सा एक्ट लागू होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट। जब हम सेक्शन 32 करते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन करते हैं, तो उसमें आता है कि डाइंग डिक्लेरेशन में जो व्यक्ति अपना डिक्लेयर कर रहा है, डाइंग लोकेशन दे रहा है, उसे एक्सपेक्टेशन ऑफ हिज ओन डेथ कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में अगर व्यक्ति जो है वो डाइंग लोकेशन जो कह रहा है, बता रहा है, अगर वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरी डेथ हो जाएगी इस ट्रांजैक्शन में, तभी वो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा, नहीं तो वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आपके मन में डाउट हो सकता है ये डाइंग डिक्लेरेशन होता कि नहीं होता। वो लेडी ने कहा गेट मी द पुलिस,
इंग्लैंड में इसको टाइम वैकेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी लेडी को कि मैं मेरी डेथ हो जाएगी। लेकिन वहां पर ये पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन माना गया, रेस्ट गेस्टे माना गया, इसलिए ये एडमिसिबल हो गया। अगर यही फैक्ट्स इंडिया में होते तो शायद ये डाइन लोकेशन भी हो जाता है, लेकिन मेरा टॉपिक डाइन लोकेशन नहीं है। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं रेस्ट गेस्टे का डॉक्ट्राइन क्या है। ये एग्जांपल किसकी है, रेस्ट गेस्टे की है, डाइंग डिक्लेरेशन की एग्जांपल नहीं है। प्लीज नेक्स्ट एग्जांपल वो है मिलने वर्सेस लेसनर। इसमें केस में क्या था, क्वेश्चन था कोर्ट के सामने कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया है एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ, वो पर्सनल कैपेसिटी में किया है या एज एन एजेंट किया है। आपको याद होगा जब हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया था तो सेक्शन 230 में एजेंट पर्सनली लायबल नहीं होता, एजेंट तभी लायबल होगा अगर उसने डिस्क्लोज नहीं किया मेरा प्रिंसिपल कौन है। वो अपने नाम में पर्सनल कैपेसिटी में कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ही लायबल होगा। कोर्ट के सामने क्या था, क्वेश्चन था कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये पर्सनल कैपेसिटी में हुआ है या एजेंट के ओर। इस केस में जितने भी लेटर्स लिखे गए एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को, या कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले जो इंक्वायरी की उसने कि ये प्रिंसिपल कौन है, आप एजेंट हो और आप ब्रोकर तो नहीं हो, आप क्या हो, किस कैपेसिटी में कर रहे हो, ये सारी चीजें जो है इस केस में रेलेवेंट मानी गई। इन सभी चीजों को पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन माना गया। एक और केस है आर वर्सेस बडिंग फील्ड। इस केस में क्या होता है, एक लेडी, एक वुमन, एक औरत सडनली अपने कमरे से बाहर आ जाती है, उसका जो गर्दन है वो कटी हुई है, और आकर अपनी आंटी को कहती है, ओ आंट, ओ डियर आंट, आंटी देखो बडिंग फील्ड ने क्या कर दिया मेरे साथ, और उसकी डेथ हो जाती है। क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वाज वेदर दिस स्टेटमेंट वाज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। क्या कहोगे आप, नो, इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन थी वो तो कमरे में पहले ही हो चुकी है, फिनिश हो गई वो तो। इसमें वो लड़की जो है, वो औरत जो है, वो क्या कर रही है, पास्ट इवेंट्स को बता रही है, जो ट्रांजेक्शन हो चुकी है रूम में हो चुकी है, गर्दन काटने वाली ट्रांजेक्शन जो है रूम में हो चुकी है। इसमें रेस गेस्टिक को, इस स्टेटमेंट को रेस गेस्टे नहीं माना गया। फोर्थ आर वर्सेस क्रिस्टी। इस केस में क्या हुआ, एक पर्सन को, एक बच्चे को जो है उसे असॉल्ट किया गया, और असॉल्ट होने के बाद जो है उसने वो अपना
स्टेटमेंट जो है लड़के ने अपनी मदर को बताई। इसे भी जो है नॉट एडमिसिबल पाया गया एज पार्ट ऑफ द रेस्केस्टे, रेस्केस्टे के बेसिस पे इसे भी नहीं माना गया। कुछ इंडियन एग्जांपल्स कर लेते हैं। रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसमें क्या होता है, इसमें इस केस में क्या होता है, फैक्ट्स याद है आपको, इस केस में क्या होता है, एक पर्सन जो है आई एम सॉरी पर्सन नहीं, एक लेडी है, दो लेडीज वो सो रही थी शाम को, रात को सो रही थी, एक लेडी को आवाज आती है दूसरी लेडी की, देखो देखो मिस्टर रतन सिंह क्या कर रहा है, मुझे मार रहा है। जब तक वो इतनी बात कहती उसे गोली लगा दी, जो रतन सिंह ने गोली चला दी। इसने क्या कहा, लेडी ने क्या कहा कि ये देखो ये आदमी मुझे मार रहा है, गोली चलाने वाला है, इसके ऊपर क्या करता है, तभी वो उसे गोली मार देता है और उस लेडी की डेथ हो जाती है। नाउ द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वॉज वेदर दिस स्टेटमेंट ऑफ द लेडी कि देखो ये मुझे रतन सिंह मुझे गोली मार रहा है, वेदर इट्स ए पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन और नॉट, क्या कहोगे आप, क्या ये है, आप बताओ, आप दो आंसर क्या है इसका आंसर, मैं आपको जवाब